अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के हिसाब से हम लोग को दे रखा हुआ है। अब इसमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50 लाख दे रखा है, आउट स्टैंडिंग 15% प्रेफरेंस शेयर 100 लाख का दे रखा हुआ है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है 5 लाख का, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया हम लोग का आर 20% एंड के ई कितना दे रखा है 16%। फिर बोला आगे कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%, फिर 50% एंड 100%। तो इस बार मैं आप लोग को फॉर्मूला रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, जितना बार रिवाइज होगा उतना बार याद हो जाएगा। तो देखिए गॉर्डन मॉडल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, इसके लिए फॉर्मूला होता था ई, फिर होता था 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 माइनस बी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं, या सिर्फ अगर बी होता है तो उसे बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। फिर डिवाइड बाय हम लोग करते थे के ई माइनस बी आर करते थे, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था। इसी फॉर्मूला में हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो आ जाइए कॉपी में 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट 50 लाख का दे रखा है। नेट प्रॉफिट लिखिए 50 लाख का, माइनस हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा 100 इंटू, ये तो 100 हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड आउट स्टैंडिंग है, और इसमें रेट कितना है, तो रेट दे रखा है हम लोग को 12%, 100 इंटू 12, 12% ही है ना रेट, नहीं 15% है रेट, तो 100 इंटू 15%, 100 इंटू कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा, ये हो गया। तो 100 इंटू 15% कितना आता है, ये आ गया हम लोग का 15 लाख का। इस तरह से अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है हम लोग का 35 लाख। अब इस 35 लाख में हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है सम्स में 5 लाख का दे रखा है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 5 लाख से। इस तरह से हम लोग का अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, तो ये अर्निंग पर शेयर हम लोग का आ गया 7 पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी हम लोग का सम्स में आ गया। उसके बाद हम लोग को रेट ऑफ आर कितना दे रखा हुआ है, तो आर हम लोग के पास दे रखा है 20% और के ई दे रखा हुआ है हम लोग के पास 16%, ये हो गया। और उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा हुआ है 3 केस में, तो फर्स्ट केस में चलते हैं सबसे पहले, एंड उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, ये दे रखा हुआ हम लोग के पास, ये है 25%, तो 1 माइनस बी कितना आ गया, तो 1 माइनस बी कितना आ गया 25%, 1 माइनस बी आ गया। अगर सिर्फ बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100% माइनस 25%, तो ये आ गया बी हम लोग का 75%, तो रिटेंशन रेशियो कितना आ गया 75%। अब इसे हम लोग फॉर्मूला में देते हैं, तो फॉर्मूला पी इज इक्वल टू क्या होता था, ई 1 माइनस बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर, यही फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, तो ई हम लोग कितना निकाले अभी, तो ई निकाले थे 7, फिर 1 माइनस बी तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं जो दे रखा हुआ है सम्स में 25%, इंटू करेंगे 25% डिवाइड बाई के ई हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो के ई हम लोग के पास है 16%, 0.16, फिर बी निकाले हैं तो बी कितना है 75%, तो 75% को 0.75 लिखता हूँ। उसके बाद आर कितना दे रखा है, तो आर हम लोग को 20% मतलब 0.20, इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना आता है 0.75 इंटू 0.2, ये आ गया 0.1, तो ये आ गया 7 इंटू 20 इंटू 25%, तो ये आ गया 1.75 डिवाइड बाय 0.16 माइनस 0.15, 1.75 डिवाइड बाय 0.0। इस तरह से हम लोग का प्राइस कितना आ गया, तो प्राइस आ गया इस केस में 75, 175 आ गया। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, देखिए
जो दे रखा हुआ था हम लोग को सम्स, बस उसी से फॉर्मूला में पुट करके इसका आंसर निकाले। इसमें कुछ तो था ही नहीं, बस एक फॉर्मूला था जहाँ पे वन माइनस बी दे रखा था। वन माइनस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड पे आउट हम लोग को दे रखा था, तो उसे बोलते हैं वन माइनस बी। और ये बी कैसे निकाले, तो बी 100 माइनस 25 करके बी निकाल लिए थे, यानी उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में दिए। अब सेकेंड केस में आ जाए इसका, अब थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ। तो यहाँ दे रखा हुआ है डिविडेंड पे आउट कितना दे रखा हुआ सेकेंड केस में, ये दे रखा था 50%, तो 1 माइनस बी कितना आ गया 50%। तो बी अगर निकालेंगे तो बी आ जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू आ गया कितना परसेंट, 50 आ गया। अब फॉर्मूला में दे दीजिए, तो ये फॉर्मूला में देने के बाद आ जाएगा 7, फिर 1 माइनस बी तो हम लोग का दे रखा है 50%, वैसे भी 1 माइनस बी तो 50 कर दें, डिवाइड बाय 0.16 माइनस बी आर, तो बी कितना दे रखा है 0.50, और आर कितना दे रखा है, तो आर दे रखा है तो हम लोग को 20%। इसे सॉल्व कीजिए कितना आ जाता है, 0.5 × 0.2, तो ये आ गया 0.1, तो 0.06, तो 3.5 / 0.06। इस तरह से इसका शेयर का प्राइस कितना आ गया इस केस में, तो 58.333% शेयर, इतना रुपीस शेयर का प्राइस आ गया। एंड थर्ड केस में चलिए, थर्ड केस में क्या था, 100% था डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो थर्ड केस में डिविडेंड पे आउट 100% है, तो डिविडेंड पे और जैसे ही 100% है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ई इज इक्वल 7 × b आ जाएगा 0, 7 × 100% डिवाइड बाय 0.16 माइनस 0 × 0.20, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, तो रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बी कितना हो गया 0 यहाँ पे, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 7 / 0.16, 7 / 0.16, इस तरह से हम लोग का कितना आ गया इस केस में शेयर प्राइस, इस केस में आ गया 43.75 हम लोग का शेयर प्राइस आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट होता है।